नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम केवल आलू से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक बनाने जा रहे हैं, जो कि बनाने में इतना आसान है और जितना आसान बनाने में है उससे भी ज़्यादा खाने में ये स्वादिष्ट है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको ग्रेट कर लिया है और इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च को आप कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 टीस्पून है नमक। नमक और काली मिर्च के अलावा कोई मसाला नहीं डालना। और ये डाला है मैंने 5 टेबलस्पून पोहा पाउडर। जो सूखा पोहा होता है उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है और एक मीडियम साइज़ के आलू के हिसाब से 1 टेबलस्पून पोहा पाउडर डालेगा। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो आलू का जो टेस्ट है वो दब जाएगा। अच्छी तरह से बाइंड कर लेने के बाद मैंने ये लिया है बटर पेपर। आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से बटर पेपर पर रखकर इसकी हम शेप बनाएंगे। तो देखते जाइएगा कि कैसे शेप बनाते हैं। तो ये मैंने लगभग चौकोर टाइप में हम इसकी शेप बनाएंगे। तो इसको कट कर लेंगे और इसको रखना वगैरह नहीं है, हैंड टू हैंड इसकी शेप बन जाएगी। अगर उबले हुए आलू आपके पास रखे हों, जैसे मेहमान आते हैं और आलू रखे हैं उबले हुए, तो इसको आप केवल 5 मिनट में बना सकते हैं। और मेहमान भी पूछेंगे कि ये किस चीज़ से बनाए, कैसे बनाए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके आगे आलू जो फ्राइज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़, वो भी फेल हैं, इतने क्रिस्पी लगेंगे। बस मसाले ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, मसाले ऐड कर देंगे तो आलू का जो टेस्ट है वो दब जाएगा। तो काली मिर्च और नमक, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। और बाइंडिंग के लिए पोहा पाउडर से अच्छा मुझे कुछ और नहीं लगता इसमें, क्योंकि पोहा पाउडर से जो टेस्ट आता है, जो क्रिस्पी बनता है, ये और किसी चीज़ से नहीं बनेगा। कॉर्नफ्लोर से बाइंडिंग कर सकते हैं आप इसकी, पर जिसके पास पोहा पाउडर है और पोहा पाउडर मार्केट में उनके मिलता है तो वो पोहा पाउडर ही डालें। अब ये देखिए, हमने ये शेप बना ली है। अब बस इसको हमने फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैंने लो मीडियम किया हुआ है। लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है। सूजी की बाइंडिंग अगर आप इसमें करेंगे तो वो नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि कमेंट में आप सब पूछते हो, तो इसलिए मैं वीडियो में ही बता रही हूँ कि कॉर्नफ्लोर से कर सकते हैं, पर अगर पोहा पाउडर आपके यहाँ मिलता है तो आप बाइंडिंग इसकी पोहा पाउडर से ही करना। सूखा वाला पोहा होता है जिसे चिवड़ा कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैटन राइस कहते हैं, तो वही मैंने मिक्सी में पीसा है। तो देखिए, जब ऐसा कलर आ जाए तो बस हम निकाल लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाना चाहिए। इसकी शेप आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हो और जैसे ही मेहमान आए उनको फ्राई करके दे दो। तो आलू स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। पोहा पाउडर का एक बेनिफिट और भी है कि इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं भरता अंदर, बस जो फ्राई करने में जो ऑयल लगेगा वही लगेगा, पर इसके अंदर ऑयल नहीं भरता, तो इसलिए भी मैं पोहा पाउडर से ही इसकी बाइंडिंग करती हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं है और क्रिस्पी इतना कि इसके आगे फ्रेंच फ्राइज भी फेल। अब इसकी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, देखिए कितनी क्रिस्पी है। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।